बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें वीडियोस लाइक्स करते हैं, फेसबुक के पेज को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहरहाल जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक हमारा है, जो एक न्यूज़ हमारे पास है, वो है साउथ कोरिया से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी साउथ कोरिया से रिलेटेड, आज हमने फिर एक उससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में साउथ कोरिया के जो वीज़े हैं, वर्क परमिट, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा स्टार्ट किए हैं। ये स्टार्ट करने का मतलब क्या है, मैं आपको उसके बताता चलूँ कि जो वीज़े होते हैं साउथ कोरिया के वर्क परमिट, ये ओवरसीज़ वर्क परमिट होते हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। यानी इसके लिए आपको एक ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, इसका एक लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ता है, इसकी कुछ फ़ीस होती है जो आपको हबीब बैंक में, हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवानी पड़ती है एज आ चलान फॉर्म के बियाफे। जब आपको जमा करवा देते हैं तो आपको इसको प्रॉपर एक फॉरवर्ड करना पड़ता है आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इनकी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर, इनको स्कैन करके फॉरवर्ड करना पड़ता है, फिर वो वहाँ से एक लॉटरी सिस्टम होता है, वो आपको नॉमिनेट करते हैं। उसके लिए अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाए तो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जो एक छोटी खुशखबरी है वो ये है कि इसके लिए आपको तालीमी काबिलियत नहीं चाहिए होती, आप इसमें ये डिपेंड नहीं करते कि आपको इस डॉक्यूमेंट एम फिल हो, एम बी हो, या 12 ईयर्स की एजुकेशन हो, अंडर मैट्रिक बंदे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, इसके दो चलान होते हैं, एक होता है कुछ 2900 कुछ रुपए का, एक होता है 500 कुछ रुपए का, बाकी जो चार्जेस होते हैं नॉर्मली आपको तकरीबन 4000 से कम पैसे पड़ते हैं, आपको जाकर जमा करवाना पड़ता है हबीब बैंक में। जब हो जाता है, अगर आपका नाम लॉटरी सिस्टम में आ जाता है, तो फिर आपको एक कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है, ताकि आपको जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलेट हो, जो ऐसा इदारा है कि जो आपको कोरियन लैंग्वेज में आपको सिखा सके, आपको कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर आपको उसको पास करके जाना पड़ेगा। मैं काफ़ी दफ़ा ये जगह ये सुन रहा हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये वीज़ा 10 लाख का वीज़ा, 7 लाख का वीज़ा, देखिए रूमर्स तो फैलते हैं, जो लोग इनको पता है कि ये कन्फर्म है वो अपने पास से 4000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और आपसे 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये हासिल करेंगे, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा मशवरा यही है कि आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से रब्ता करके जो एक एक्चुअल प्राइस है या जो एक्चुअल इसकी फ़ीस है वो पे करें, ताकि इसका जो भी आपको होता है कि आप उसकी फ़ीस पे करेंगे, अगर आपका लिस्ट में आपका अगर आपकी लक अच्छी होती है तो आपका लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप इसके लिए आराम कर सकते हैं। जो बताता चलूँ इसकी सैलरी कितनी होती है, देखें जो इसकी सैलरी होती है कम से कम पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए स्टार्टिंग होती है, लेकिन साथ ही बताऊँ कि लेबर में काम होता है और लेबर का काम इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत टफ होता है। साउथ कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान के ऊपर है और जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा विजिट वीज़ा बिल्कुल अप्लाई ना करें, कि वो विजिट वीज़ा टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। हमने अप्लाई किए थे 2 वीज़े रिसेंटली, उन्होंने हमारे रिजेक्ट किए, रिजेक्शन की वजह से उन्होंने कहा था कि आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है। अगर तो आपके पास साउथ कोरिया का इन्विटेशन लेटर है दैन यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड यू कैन दो जो आप उसके लिए जा सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या विजिट वीज़ा अप्लाई करें जब तक आपके पास इन्विटेशन लेटर ना हो। जहाँ तक बात है वर्क परमिट की, इसके लाजमी चांस लें। मैं सबको बोलूँगा जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, 4000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, ज़िंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं, 4000 का पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं या फिर एक गाड़ी पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिस्क लाजमी लें। अगर खुदा ने चाहता अगर आपका लक लग गया तो आप जाके आराम से अपनी ज़िंदगी सवार कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको उसके मुताबिक बात पूछनी हो, कोई सर्विस चाहिए हो या कोई चीज़ लेना चाह रहा हूँ, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0347050526, ऑफिस का एड्रेस सेकंड फ्लोर सुपर प्लाज़ा चकवारी आज़ाद कश्मीर द्वारा लगा दो कि उसने भी जो